अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट। ये टॉपिक जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में से लिया गया है, यानी कि एक इंसान जो है वो किस तरह से दूसरों से मुख्तलिफ होता है, उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनैलिटी हो गई, इसी तरह एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं। सो एप्टीट्यूड और अचीवमेंट दो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है। सो हम इसको अभी पढ़ना शुरू करते हैं कि ये है क्या चीज़, एप्टीट्यूड क्या है, अचीवमेंट क्या है। एप्टीट्यूड जो है वो एबिलिटी है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि बच्चा जो है या कोई भी शख्स, कोई भी आदमी, वो इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। हम इसके लिए टेस्ट्स डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स होते हैं जो कि एप्टीट्यूड भी मेजर करते हैं और अचीवमेंट भी मेजर करते हैं। एप्टीट्यूड तो हो गया हमारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, और अचीवमेंट क्या है, हमारी पास्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड, यानी पास्ट में हमने जितनी लर्निंग की है उसका टेस्ट लेना। यानी कि जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं दूसरी क्लास में प्रमोट होने के लिए, तो वो आपका क्या है, अचीवमेंट टेस्ट है। और इसी तरह जब आप मेडिकल के लिए टेस्ट देते हैं, डॉक्टर बनने के लिए या पायलट बनने के लिए या सोल्जर बनने के लिए आप मुख्तलिफ टेस्ट देते हैं, तो वो टेस्ट क्या होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। यानी देखा जाता है कि आप में सलाहियत है डॉक्टर बनने की या पायलट बनने की या कुछ भी बनने की, यानी कि फ्यूचर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो द फर्स्ट डिफरेंस इज़ अकॉर्डिंग टू पर्पज़। क्या पर्पज़ है टेस्ट लेने का, मतलब मकसद क्या है टेस्ट लेने का, उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि टेस्ट में क्या डिफरेंस है। अचीवमेंट टेस्ट क्या करते हैं, डिटरमिन्स व्हाट स्टूडेंट्स हैड लर्न्ड बेस्ड ऑन द करिकुलम, ठीक है। यानी जो उनको करिकुलम दिया गया है, जो उनको पढ़ाया गया है कॉलेज में या स्कूल में, उसके मुताबिक उनका टेस्ट लिया जाता है कि कितना अच्छा उन्होंने याद रखा। और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करते हैं, डिटरमिन्स व्हाट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड स्पेशलाइज ऑन देयर ट्रैक्स, फॉर एग्जांपल साइंस, आर्ट्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। यानी एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि बच्चा आगे इन फ्यूचर किस चीज़ में स्पेशलाइज कर सकता है, साइंस में जा सकता है, आर्ट्स में जा सकता है, लैंग्वेज में, लिटरेचर में, म्यूज़िक में, किस चीज़ में जा सकता है, ठीक है। सो मकसद के अकॉर्डिंग ये फ़र्क है एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ टेस्ट, किस तरह का टेस्ट होता है अचीवमेंट का और एप्टीट्यूड का। सो अचीवमेंट टेस्ट आर डिज़ाइंड टू रिव्यू नॉलेज यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड, असेस प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आपने पहले से याद कर ली है, प्रीवियस नॉलेज जो है उसको हमने टेस्ट करना है। और एप्टीट्यूड में क्या होता है, एप्टीट्यूड इज़ द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ सर्टन टास्क सक्सेसफुली विदआउट प्रीवियस नॉलेज और फॉर्मेशन, ठीक है। यानी अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड में मेन बेसिक फ़र्क जो है वो क्या है, कि अचीवमेंट टेस्ट आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहा होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपकी प्रीवियस नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा होता, और आपकी करंट एबिलिटीज़ को देख रहा होता है कि आप में इस वक्त कितनी एबिलिटी है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन कैसे करनी है टेस्ट की, क्या आप अचीवमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं या एप्टीट्यूड की टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो अचीवमेंट में इसका आंसर है येस एंड एप्टीट्यूड में इसका आंसर है नो। अचीवमेंट टेस्ट में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, बताई गई थी, उसको आप रिवाइज़ करें, याद करें अच्छी तरह से और उसका टेस्ट दे दें। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट देयर इजंट एनी मटीरियल टू स्टडी, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आप उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, तो फिर क्या हो सकता है कि आपको अनसीन किस्म के क्वेश्चंस आते हैं और आप थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको टेस्ट लेने के टाइम पे ज़्यादा एंजाइटी फील नहीं होती और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि चलो ये इस किस्म का क्वेश्चन था तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब आपको उसका डिज़ाइन और उसका स्टाइल समझ में आ जाता है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस नहीं आते। है कंटेंट,
अकॉर्डिंग टू कॉन्टेंट क्या फ़र्क है दोनों तरह के टेस्ट में. अचीवमेंट में स्टूडेंट्स आर टेस्टेड इन द मेजर सब्जेक्ट एरियाज दे स्टडी. ठीक है, जो जो सब्जेक्ट एरियाज वो स्टडी करते हैं उसमें से लिया जाता है टेस्ट. ठीक है, कॉन्टेंट का मतलब क्या होता है कि किस किस्म का मटीरियल जो है वो आता है टेस्ट में. ठीक है, एप्टीट्यूड में क्या है, स्टूडेंट्स आर टेस्टेड फॉर देयर एसेंशियल स्किल्स दे नीड इन फ्यूचर, यानी वो सारी सलाहियतें जो कि उनको फ्यूचर में चाहिए हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक लिटरेसी, वर्बल रीजनिंग एक्सेट्रा. ठीक है, यानी कि कौन उनकी सोच विचार कैसी है, साइंस की तरफ उनका कितना लगाव है, वर्बल रीजनिंग कितनी अच्छी वो लोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फ्यूचर के लिए देखी जाती हैं कि आप कौन सी जॉब में जा सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट एरिया ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आपके पास है यूज़. यूज़ क्या है इन दोनों टेस्ट का, टीचर्स नो हाउ वेल स्टूडेंट्स हैव लर्नड इन देयर स्कूल्स. अचीवमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि टीचर्स को पता चलता है कि आपने स्कूल में कितना अच्छा याद किया, इसको हम सुमेटिव भी कहते हैं, सुमेटिव टेस्टिंग. नेक्स्ट आपके पास है एप्टीट्यूड, स्टूडेंट्स आर बेटर गाइडेड अबाउट द एरियाज दे कैन स्पेशलाइज इन फ्यूचर. सो आपको ये पता चल जाता है कि इन फ्यूचर जो है स्टूडेंट्स किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव टेस्टिंग. सो अचीवमेंट टेस्टिंग इज सुमेटिव टेस्टिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्टिंग इज फॉर्मेटिव टेस्टिंग. एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट का अब ड्यूरेशन की बारी आ जाती है कि टेस्टिंग का ड्यूरेशन क्या है. अचीवमेंट का ड्यूरेशन हमेशा लंबा होता है एंड एप्टीट्यूड टेस्ट का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है. अचीवमेंट टेस्ट का ड्यूरेशन दो दिन से ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, और एप्टीट्यूड का ड्यूरेशन दो दिन भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है.